अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अशाज बशाश होंगे। तो आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं लियाकताबाद सुपर मार्केट, गोश्त मार्केट का। यहाँ पर आपको बताएंगे मुर्गी का क्या रेट चल रहा है, गोश्त का क्या रेट है, पाए का क्या रेट है, दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़े, इसका क्या रेट है, मछली का क्या रेट है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको जो है पूरी मार्केट का विज़िट कराता हूँ। ये हम जैसे ही लियाकत आबाद सुपर मार्केट के अंदर जाने लगेंगे तो ये पहले की स्ट्रीट आती है गली। तो इधर ये मुर्गी वाले बैठे हुए हैं, तो मुर्गी वाले भाई से भी इंटरव्यू ले लेते हैं, तो इनसे बात करते हैं तो आज इनका क्या रेट वगैरह है मुर्गी का। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अब हम आ गए हैं इधर, इनकी पोल्ट्री शॉप है, मुर्गी की दुकान है इनकी। तो इनसे पूछते हैं अभी हम, तो ये क्या बेच रहे हैं आप? ये पंजे बेच रहे हैं सर हम। अच्छा, तो क्या हिसाब दे रहे हैं पंजे आप? ये सर ये वाले बने हुए स्किन की, स्किन उतरी हुई है इसकी, ये 120 रुपए दर्जन है, ये वाले 80 रुपए दर्जन है, 150 रुपए के दो दर्जन। अगर बने हुए लेंगे तो वो 140 रुपए दर्जन फुल बने हुए। तो चिकन का क्या रेट चल रहा है आपके पास? चिकन आज चल रही है, अल्लाह भला करे, आपका आज 500-600 रुपए किलो है मुर्गी। और जिंदा मुर्गी का क्या रेट है? जिंदा मुर्गी 420 रुपए। अच्छा, तो आपकी शॉप कहाँ पर है? शॉप का बता दो लोकेशन, किसी ने आना होगा तो यहाँ आ जाएंगे ले लेंगे। ये है डाखाना, डाखाना 3 नंबर पे। चलें सही है, बहुत शुक्रिया। एसएस पोल्ट्री फार्म। चलें सही। अब हम आ चुके हैं मुर्गी की दूसरी दुकान की जानी। यहाँ पर देखिए ताज़ा फ्रेश एकदम गोश्त मुर्गी के प्राइस भी लिखे हैं, पूरी मुर्गी 390 रुपये किलो जिंदा मुर्गी दे रही है। तो यहाँ पर जो है बहुत ताज़ा गोश्त दस्तियाब है, अभी अभी उन्होंने जिबा। तो अब हम इनके पास आ गए इनकी बराबर वाली शॉप पर। तो ये जो चिकन का गोश्त, इनके पास देखिए मुर्गी जो सारी ख़त्म हो चुकी है, सारी इनकी मुर्गी ख़त्म हो गई है, सब माल इनका बिक चुका है सुबह सुबह। बिका नहीं है, आया ही नहीं है माल। भाई मुर्गी महंगी हो गई है, मुर्गी डलवाई नहीं रहे, कल की मुर्गियाँ बची हैं वो बेच रहे हैं, कलेजी, पोटे, गर्दन, ये चीज़ें बेच रहे हैं, पब्लिक ये मांग रही है, वो मांगी मेरी मुर्गी सस्ता आइटम है। अभी मुर्गी का रेट क्या चल रहा है आपके पास जो है? हमारे पास जो है 560। तो ज़्यादा रेट होने की वजह से क्या आवाम खा नहीं पा रही मुर्गी, कुवत बर्दाश्त से बाहर है, क्या है ये सिलसिला? भाई साहब खरीदो बात की तो है ही नहीं, पब्लिक खरीद ही नहीं रही, और फिर उसके बाद दूसरी बात है हर मुर्गी वाला नुकसान में जा रहा है, ये नहीं कि मैं छोटा दुकानदार हूँ तो बाकी बड़े दुकानदार सब लॉस में जा रहे हैं। चलिए सही है, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें अब इधर आप आ गए गोश्त मार्केट में, या होलसेल की मार्केट है। यहाँ पूरी पूरी देखिए गाड़ियाँ गोश्त भर भर कर आती हैं, गाड़ियों में ज़्यादा गोश्त भरा होता है। ये लियाकताबाद सुपर मार्केट गोश्त मार्केट है। हम आपको अंदर जाते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं ना। ये अब हम आ गए हैं ये गोश्त मार्केट के अंदर। यहाँ पर जो देखें ये पाए हैं, सीरी है, ये फेफड़े दे रहे हैं, ये बटे हैं यहाँ पर, और ये बकरे के पाए दे रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं क्या रेट वेट चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक जी सर। ये कहते हैं अपना बकरे के पाए क्या हिसाब चल रहे हैं अभी? ये 1400 के 12, 1400 रुपये दर्जन, 1400 रुपये दर्जन है। और ये जो आप बट बट बना रहे, बट का क्या हिसाब है? ये 300 रुपये किलो है ये। और बच्चे के पाए क्या हिसाब है? बच्चे के पाए रखे हुए आपके पास? बच्चे के पाए के अलग अलग रेट है, इसमें 200 रुपये के भी चार हैं और 2000 के भी चार हैं और 3000 के भी चार हैं, अलग अलग रेट। अच्छा चलें सही है, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि अभी हमने इनसे बात करी तो मालूम हुआ बकरे के पाए का क्या रेट है, सीरी का क्या रेट है, और बच्चे के पाए का क्या रेट है। तो इसी दिन आइए मेरे साथ चले तो मैं आपको आगे का और विज़िट कराता हूँ मार्केट का। तो इनसे मालूम करते हैं और दुकानदारों से इनसे पूछते हैं कि भाई बकरे के पाए का क्या रेट है। ये हम आ गए हैं दूसरी शॉप पर, यहाँ पे बकरे के पाए और सीरी वगैरह मिल रही है। तो इनसे पूछते हैं क्या हाल है आजी साहब, करिए से आप ठीक ठाक हैं? काम वाम कैसा चल रहा है आपका आज का? अच्छा,
ये बकरे की पाई वाई क्या हिसाब दे रहे हैं आप? ये 1200 रुपए दर्जन। अच्छा, और सीरी का क्या रेट है? सीरी का 200 रुपए। सीरी 200 रुपए। और ये जो ये सेट है, सेट क्या हिसाब है? ये 400 रुपए का। अच्छा, आपकी शॉप कहाँ पर है, जरा बताइए लोकेशन। सुपर मार्केट। सुपर मार्केट। अच्छा चले, सही, बहुत शुक्रिया आपका। हम आ गए हैं गोश्त वाली साइड पे। यहाँ पे गोश्त जो है बहुत सस्ता मिलता है, बेहरी गोश्त मिलता है। कमेले सीधा कट के यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से जो है होलसेल मार्केट है, फिर यहाँ से इलाकों में सप्लाई होती है गोश्त की। ये देखें गोश्त बना रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। शुक्र है। और सुनाए, काम कैसा चल रहा है आजकल? मालिक का बड़ा खाना। अब हम आ गए हैं दूसरी शॉप के ऊपर, जो यहाँ गोश्त का है। तो अब उनसे पूछते हैं क्या रेट चल रहा है आज गोश्त का इनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। तो आपके पास जो है वो अपना बच्चिया गोश्त है, बड़े का गोश्त है, भैंस का गोश्त है, किस चीज़ का है? ये मतलब भैंस का गोश्त है सारा यहाँ? गाय और भैंस का गोश्त होता है। अच्छा, तो रेट वगैरह क्या किलो? हड्डी वाला क्या किलो है यहाँ? हड्डी वाला 500 रुपये चल रहा है, बकर हड्डी का 650। अच्छा, हड्डी वाला 500, बकर हड्डी का 650 रुपये किलो है। काम हम कैसा चल रहा है आपका? अभी तो उस नस्बत काम नहीं है जैसे माशाल्लाह पहले था। अभी महंगाई होने की वजह से काम पर भी असर पड़ा था, काम बस अभी शुरू ही चल रहा है। तो हम उनसे पूछते हैं अभी जो है गोश्त जो है दादा जो होता है उसका क्या रेट चल रहा है? तो ये बगर हड्डी का गोश्त क्या किलो और हड्डी वाला क्या किलो, दोनों बताइएगा जरा। हड्डी वाला 500, बगर हड्डी का 600। कोई अगर ज़्यादा ले तो आप कम भी कर देते हैं क्या? हम आप मार्केट में खड़े हो बड़े भाई। तो अपनी आपकी दुकान कहाँ पर है जरा बता दीजिएगा, ताकि लोग जो लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स वो आके फिर यहाँ से खरीद लें आपसे। ये हमारे सामने शॉप है, दुकान पर सामने दुकान है, लियाकतबाद सुपर मार्केट में आपकी। सुपर मार्केट, लियाकतबाद। चलें सर जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ताज़ा गोश्त जब कमेले से आता है तो उसके मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है उसको। ये देखें, ये जो है सीने का गोश्त है, उसको काट काट के छोटे पीस बना रहे हैं, ताकि जब कस्टमर आए तो जो छोटे पीस है उसका वजन करके उसको दिया जा सके। ये हम आ गए यहाँ पे, जो भैंस के बड़े के पाए मिल रहे हैं इनके पास। तो अब इनसे पूछते हैं क्या हिसाब है पाए वगैरह, क्या रेट चल रहा है अभी सर्दी का मौसम है। सर्दी में वैसे भी पाए वगैरह की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाए? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, खैरियत है। ये पूछे थे बड़े के पाए वगैरह, भैंस के जो पाए दे रहे, क्या रेट चल रहा है इनका आजकल? भैंस का बड़ा पाया 1000 रुपये का एक चल रहा है, और छोटा वाला लोग है वो 800 रुपये का एक पड़ेगा। तो जैसे सर्दी में जो है आमतौर पर पाए ज़्यादा खाए जाते हैं, तो आजकल ये जो महंगाई का दौर है, महंगाई की वजह से आप लोगों की सेल के ऊपर कोई फ़र्क आया कि नहीं आया, क्या हिसाब है ये? सेल की वजह से, महंगाई की वजह से फ़र्क नहीं आया, गैस की वजह से फ़र्क आया हुआ है। गैस नहीं आ रही लोगों के घरों में, और पाया जो है 8 से 10 घंटे में गलता है, इस वजह से फ़र्क आया हुआ है। भंडारियाँ हैं ही नहीं, सन्नाटे बढ़े हुए हैं मार्केटों में। चलें सही है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि देखें, हाजी साहब जो है यहाँ पर पाए बना रहे हैं, एक जो है वो छिलका उतार रहे हैं, दूसरा उसके खुर उतार रहे हैं, और छोटी साइज़ की जो है उसकी हड्डियाँ काटी जा रही हैं। यहाँ पर कस्टमर को उसकी पसंद के मुताबिक हड्डी का साइज़ काट के दिया जा रहा है। अब हम दूसरी गाय की शॉप पर आ गए हैं, जो बीफ का गोश्त मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो छोटे हिस्से कर रहे हैं ये भाई भी, इसमें चर्बी अलग निकाल के रख रहे हैं, हड्डी वाली साइड अलग रख रहे हैं, और ये सीना बना रहे हैं अलग करके, ये रान का गोश्त काट रहे हैं। ये हम आ गए, यहाँ पर जो है बटे मिल रही हैं, दिल, कलेजी, गुर्दे, फेफड़े, तिल्ली तिल्ली है यहाँ पर,
अभी तो पूछते हैं क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये दिल गुर्दे कलेजी पेपड़े क्या रेट चल रहा है इनका? 150 रुपये किलो गुर्दे, 160 दिल्ली में, 160 पेपड़ा, 150 रुपये, 140। तो हम आ गए हम मछली वाली पोर्शन में, जहाँ पे मछलियाँ वगैरह जो है फ्रेश फ्रेश आती हैं। ये होलसेल मार्केट है मछली की, जो हमने आपको दिखाई थी वो गोश्त की मार्केट थी। अलग अलग इकसाम की ये फिशेज हैं। सर्दी का मौसम है, सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो सर्दी में पाए हो गए, फिश हो गए, इनकी बहुत काफ़ी डिमांड होती है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो उनकी शॉप के जो ऑनर है इनसे पूछते हैं क्या है रेट चल रहा है फिश का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है मालिक का, अल्लाह का शुक्र। तो आप क्या क्या बेच रहे हैं, कौन कौन सी फिश है आपके पास? ये मेरे को मगरा बच रही है भाई, फिंगर फिश, बस यही है मगरा, बाकी ये दूसरे दुकान की है, सुरमई रखी हुई। अच्छा, तो ये मगरा फिश जो है आपकी क्या हिसाब दे रहे हैं मगरा? ये 700 रुपये। ये जो रोज़ाना फ्रेश माल आता है आपके पास? जी रोज आता है। ये मगरा फिश होती है सर, खाने में टेस्ट कैसा होता है सर, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ये भाई बहुत अच्छी होती है, शादी ब्याह में बहुत चलने लगी, इसका रेट अभी मजीद और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ये जो फिंगर फिश बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है क्या? जी हाँ, इसी से बनाई जाती है। आ गए इधर फिश पोर्शन के अंदर, ये इनके पास मुख्तलिफ इकसाम की जो मछलियाँ। ये कौन सी है? ये वाइट पुन है, ये सुरमई है, किंग फिश की लकड़ी, ये सुरमई है, किंग फिश, किंग सुरमई, ये मछलियों का बादशाह है ये ना, ये मछलियों का बादशाह है, जो आपको जूम करके दिखाते हैं। इसको सर हाथ में लेके दिखाइएगा बच्चियों के बादशाह को। हाँ मछली, सारा बेल्ट बंद, ये वो हमें हाथ में उठा के दिखा रहे हैं। ये देखें, ये मछलियों का बादशाह है जो है, ये किंग फिश है, ये मछली वाला बादशाह। हाँ, ये ताज़ी मछली आपके पास रोज आती है? ये मछली खुद बताइए, ताजी आती है या बासी आती है? देखिए एकदम ताजी फिश है ये, देखिए हम क्या बताएंगे, कितनी ताजी है माशाल्लाह से, अभी पकड़ के लाएंगे फ्रेश है, अभी अभी पकड़ के लेकर आएंगे ना, जाल से पकड़ के लेकर आए, अभी अभी सीधे समंदर से यही आ रही है। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील, मोहम्मद शकील नाम है इनका, बहुत शुक्रिया। बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, सब्जी की मार्केट है सारी, है सब्जी मार्केट से होते हुए हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर आपसे मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, नए जज्बे, नए जुनून, नए जोश के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।